करेंगे समाप्त। लम्हा सुल्तानपुर क्षेत्र के देवरी निवासी वरिष्ठ समाज सेवी अवनीश कुमार उर्फ अंगद सिंह ने कहा कि वह विकास के मुद्दों पर नगर पंचायत का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि लखनऊ में रहते हुए मुझे नगर पंचायत वासियों का बार बार फोन आ रहा था और मुझे लम्हा आने का निमंत्रण मिला। एक निजी रेस्टोरेंट में नगर पंचायत वासियों ने बैठक रखी थी। यहाँ पहुँचने पर पता चला कि लोग मुझे लम्हा नगर पंचायत के चेयरमैन पद पर देखना चाहते हैं। नगर पंचायत वासियों का अपार स्नेह और प्यार पाकर मैं गदगद हूँ। श्री सिंह ने कहा कि मौजूदा समय में नगर पंचायत में क्या क्या हो रहा है यह सबको पता है। जिस हिसाब से नगर पंचायत का विकास होना था उस हिसाब से नहीं हो रहा है और नगर पंचायत में भ्रष्टाचार मुँह पसार कर पड़ा है। मैं नगर पंचायत का अध्यक्ष बना तो सबसे पहले भ्रष्टाचार खत्म करूंगा और विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ने के बाद जीतने के बाद यहां पर चौमुखी विकास करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं जातिवाद से ऊपर उठकर मानवता के लिए कार्य करूंगा। आज बैठक में यहां पर दोनों समुदाय के काफ़ी लोग एकत्रित हुए। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने पूर्व में भी मेरे कार्यों को देखा है, मैं हमेशा समाज के हित के लिए कार्य किया हूँ और आगे भी करता रहूँगा। यहाँ देखिए, मैं ये कहूँगा आपसे कि यहाँ पर जो गणमान्य व्यक्ति आए थे, ये मैं नहीं बुलाया था, ये लोग मुझको बुलाए थे। लगातार फ़ोन करना, भैया लखनऊ आई, लखनऊ से आइए लम्हुआ, लखनऊ से आइए लम्हुआ। और कल बिल्कुल स्टिक होक कर दिए, 4 बजे आपको फला रेस्टोरेंट पे आ करके बैठना है और यहाँ पर लोग रहेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। जब मैं यहाँ पर आया तो सारे लोग ने एक सुर में और एक साथ कहा कि आपको हर हाल में यहाँ का नगर पंचायत का चुनाव लड़ना है, उसके लिए हम लोग आपको बुलाए हैं। मैं आश्वस्त करता हूं अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग तन से मन से आपके साथ रहेंगे। जी, पहला चुनाव है तो आपका किन विकास के मुद्दों पे चुनाव का फोकस रहेगा? देखिए, आप लोग यहीं के पत्रकार हैं और हमको लगता है कि सूरज की किरण बाद में पहुँचती होगी और हमारे यहाँ जागरूक पत्रकार पहले पहुँचते हैं पांडे जी। और यहाँ पे विकास का एक जो मुद्दा है, और आप लोगों ने देखा होगा कि गलियों क्या हाल है और जो काम हो रहे हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं, कॉलोनियाँ बढ़ रही हैं किस तरीके। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आप लोग जा पूछिए लोगों से क्या दुर्दशाएं चल रही हैं। इन सब दुर्दशा को खुशहाली में बदलने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ और लोगों ने जिस हिसाब से आश्वासन दिया है, निश्चित रूप से लम्हुआ का विकास होगा और यहाँ की दशा में एक बड़ा बदलाव आएगा। देखिए, जातिवाद का चक्रव्यूह मैं पिछले 5 सालों से अपने विजिटिंग कार्ड पर लिखा घूमता हूँ कि जात पात से ऊपर उठकर मानव मात्र की सेवा का धर्म जो होता है वो मैं पालन करके चलता हूँ। आपने देखा होगा कि आज इस छोटी सी मीटिंग में आप कह सकते हो कि जितनी मात्रा में हिंदू उतने मात्रा में मुसलमान, और मुसलमान भाइयों ने कहा कि आप अगर भारतीय जनता पार्टी का सिंबल लेके आते हैं तो अगर एक झंडा आप उठाएंगे तो 15 झंडा मैं उठाऊंगा, वही आवाज़ और लोगों ने दिया। तो हमारे लिए जात पात का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग यथार्थ गीता पढ़े हैं, जात पात का मेन मकसद हम लोग जानते हैं क्या है क्या नहीं। इस क्षेत्र की जनता को केवल एक संदेश है मेरा कि आप लोग जितना बढ़िया इस नगर पंचायत का चेयरमैन चुनेंगे उसके अंदर क्वालिटी को देखेंगे, वो चाहे सेवा की भावना हो, चाहे विकास की भावना हो, चाहे जात की भावना हो, चाहे धर्म की भावना हो, अगर लम्हुआ को स्ट्रांग और एक विकास के रूप में आप देख मॉडल के रूप में अगर आप देखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से नगर पंचायत के मतदान में आप लोग कहीं से गलती मत करिएगा, एक एक वोट छांट के दीजिएगा आप लोग। आपका बीजेपी से टिकट पक्का मान के मूर्छा जी, अगर 1% ना माने तो आपकी रणनीति? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है और बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे टिकटार्थी रहेंगे, मांगने के लिए सबकी अपनी अपनी एक रेस होती है, लेकिन निश्चित रूप से मैं आपको दावा करता हूँ कि यहाँ से जो सर्वे जाएगा अगर कोई 30% होगा तो मेरा अपना 90% रहेगा।